कभी कभी जो काम हमने सीखा है या जो हुनर हमारे भीतर है, दुनिया देख करके ऐसा लगता है ना कि अब शायद उसका स्कोप नहीं रहा, अब वो किसी काम का नहीं है। लगता है, सबको लगता है, हमें, आपको, सबको। आज मैं दरअसल इसी विषय पे बात करना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि ये उतना सत्य नहीं है। अगर आपने कुछ हुनर सीखा है, अगर आपके आपके भीतर कोई कला है, आपने कोई काम सीखा है, यकीन मानिए वो बेकार नहीं जाएगा। वो आज नहीं तो कल वो आपके काम आएगा ही आएगा। मुझे किस्सा याद आ रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये जो मैं कह रहा हूँ इस बात को सही तरीके से समझा पाए। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक परिवार है जो सारंगी बजाता है। सारंगी एक ऐसा वाद्यंत्र जो एक समय पर बड़ा चर्चित था, बड़े सुनने वाले होते थे बड़े, लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं उस पर श्रोताओं में प्रभाव पड़ा। अब वो उतना सुनने वाले नहीं है, उतना चर्चित नहीं है। वो परिवार, उनके दादाजी भी, उनके पिताजी भी, उनके इस तरीके से वो एक उनकी पीढ़ियों का ये जो हुनर था। एक दिन छोटे वाले भाई ने कहा कि अब सारंगी मैं नहीं बजा सकता। तो बड़े भाई ने कहा कि भाई क्यों? उसने कहा कि उतना स्कोप नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, यहाँ पे हमें महीना गुजारना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा करते हैं कि छोड़ते नहीं हैं, इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ और प्रयोग करते हैं और कुछ भी। उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा। छोटे वाले भाई ने ये बजाना छोड़ दिया और वो शहर चला गया कुछ वहाँ पे कहीं नौकरी करने के लिए। लेकिन बड़े वाले भाई ने वो अपना काम नहीं छोड़ा, वो अपना करता रहा, उसमें अच्छे अच्छे प्रयोग करता रहा और ऐसे जैसे भी चल रहा था। छोटे वाले भाई कहीं जॉब लग गई और थोड़े बहुत पैसे आ गए, उसने अपना अच्छे से वहाँ पे सेटल कर लिया। लेकिन ये थोड़ा सा इसकी स्थितियाँ वैसी की वैसी रहीं, बल्कि और कहीं गिरती गईं। लेकिन दिन बदलता है। मैंने कहा ना कि आपका हुनर जो है वो काम आता है। होता ऐसा है कि लगभग 15-20 साल बाद मुंबई में एक फिल्म बन रही होती है, जहाँ पर उन्हें उस फिल्म में किसी सारंगी बजाने वाले की ज़रूरत होती है। फिल्म बनाने वाले बहुत ढूंढते हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता। तब वो ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से उन्हें पता चलता है कि इस जगह पे किसी गांव में एक सारंगी बजाने वाला है। वो दौड़ के जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि आप उससे मिलते हैं और कहते हैं कि आप सारंगी बजाएंगे, मेरी फिल्म में एक काम है इसका। उसने कहा हाँ मैं बजाऊंगा। और फिर उसने फिल्म में उसने जो सारंगी का वादन किया, जो बजाया, वो बिल्कुल बहुत चर्चित हुआ और रातों रात उसकी दुनिया बदल गई। तो मैं यही कहना चाहता था कि वो उसका जो हुनर था वो काम आया कि नहीं आया। ऐसे ही होता है। बस यही बताना चाहता था कि आपने जो काम सीखा है उसको छोड़िए मत, उसको उस पर लगे रहिए, वो एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, वो काम जरूर आएगा। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो कुछ सीखता है वो एक समय पे कहीं उसका दौर आता है, कहीं जाता है, लेकिन दौर आता जाता रहता है। वो हुनर आपका अगर आप चाहें तो निखार करके उसे हर समय एवरग्रीन बनाए रख सकते हैं। तो बस यही कहना था। घर में रहें, सुरक्षित रहें और आम का सीजन है, अगर आपके यहाँ भी आम होते हों तो आम खाते रहें। मैं तो वही। थैंक यू, नमस्कार।